हाय गाइस, मेरा नंबर नाना है। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ बिल्कुल एकदम लेटेस्ट वीडियो, और ये वीडियो आपको यूट्यूब पर नहीं मिलने वाली है। दोस्तों मैं बता दूं कि मोटो 4G मोटोरोला का जो मोबाइल होगा उसका जो अगर आप FRP अनलॉक करना चाहेंगे अपने मेडिकल बॉक्स से, तो उसके लिए मेडिकल टीम ने एक टूल दिया हुआ है। उस टूल को आपको डाउनलोड करना है और उसे इंस्टॉल करना है, और उस टूल से आपको जो मोटो 4G का FRP अनलॉक करना है, सभी मोटो 4G का FRP अनलॉक हो जाएगा उस टूल से। अगर आप जानना चाहते हैं कैसे होगा, कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे डाउनलोड करना है, तो फिर इस वीडियो को आप लास्ट तक का देखते रहें। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे EX मन्नानी YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप यहाँ पे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन देख रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अगर आपने हमारे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर रखा है और आपने अभी तक इस बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है, इस घंटे को आपने अभी तक नहीं दबाया है, तो इस घंटे को जरूर दबाएं। इससे क्या होगा कि जब भी कोई नई वीडियो हम अपने YouTube चैनल पर अपलोड करेंगे इसकी जानकारी आपको आपके मोबाइल पर मिल जाएगी और आप आसानी से देख सकेंगे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मोटो 4G और मोटोरोला का जो भी एंड्रॉइड स्मार्टफोन है, उस स्मार्टफोन का अगर FRP आप अनलॉक करना चाहेंगे तो आप यहां पर देख सकते हैं MTK FRP अनलॉक मोटो 4G, ठीक है। तो इस टूल की खासियत यह है कि यह टूल जो है वर्क करेगा आपके मेडिकल बॉक्स से। अगर आपके पास मेडिकल बॉक्स है, मेडिकल की है, तो आप इस टूल को यूज कर सकते हैं और मोटो 4G का FRP आप अनलॉक कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस टूल को डाउनलोड करने के लिए मैं आपको बता दूं कि इस टूल की डाउनलोड लिंक आपको मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये जो फाइल है, ये फाइल कंप्रेसर फाइल है, इस फाइल को चलिए सबसे पहले हम एक्सट्राहियर कर लेते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर देख रहे हैं एक फोल्डर बन चुका है। इस फोल्डर को हम डायरेक्टली यहाँ से कट करके या कॉपी करके इसे हम अपने कंप्यूटर में लेकर के जाएंगे और अपने कंप्यूटर के माई कंप्यूटर में सी प्रोग्राम में लेकर जाएंगे इसे। तो सी प्रोग्राम में ले करके इसे हम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। इस फोल्डर को, पूरी की पूरी फोल्डर को हमें यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। उसके बाद इस फोल्डर को हमें सिंपली ओपन कर लेना है। इस फोल्डर को जैसे हम ओपन करेंगे, इसके अंदर में एक टूल होगा, मोटो 4G FRP अनलॉक का ही टूल होगा। इस टूल को हमें सीधा अपने डेस्कटॉप पे इसे सेंड कर देना है। तो चलिए इस टूल को हम अपने डेस्कटॉप पे सेंड कर देते हैं। तो दोस्तों ये टूल हमारे डेस्कटॉप पे आ चुका है, लेकिन चलिए हम आपको दिखाते हैं कि ये कैसे मेडिकल बॉक्स से काम करता है और मेडिकल की से काम करता है। चलिए हम आपको पहले मेडिकल बॉक्स को ओपन करके आपको दिखाते हैं अपने मेडिकल बॉक्स को, कि हमारे मेडिकल बॉक्स जब ओपन होगा तो हमारे मेडिकल बॉक्स में जो हमारा जो एक्सपायरी डेट है वो यहाँ पे शो करता है हमारे मेडिकल बॉक्स में। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं, पहले समझा देते हैं अच्छी तरह से कि ये मेडिकल बॉक्स से ही वर्क करेगा, इसे बिना बॉक्स के आप इसे यूज नहीं कर सकते, ठीक है, बिना की के आप इसे यूज नहीं कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा मेडिकल बॉक्स ओपन हो चुका है। उसके बाद हमारा यहाँ एक्सपायरी डेट आप जो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे 22/3/2018, ठीक है। तो ये डेट यहाँ पे दिखा रहा है हमारे इस मेडिकल बॉक्स में, मेडिकल की में। और चलिए अब हम इस टूल को ओपन करते हैं, मोटो 4G का जो FRP अनलॉक टूल है, इस टूल को अब हम आपको ओपन करके यहाँ पे दिखा देते हैं। तो दोस्तों आप यहां पर देख रहे हैं कि हमारा ये मोटो 4G का जो FRP अनलॉकर टूल है ये ओपन हो रहा है। आप यहां पर देख रहे हैं कि ये टूल ओपन हो चुका है। उसके बाद चलिए हम आपको इसका भी एक्सपायरी डेट यहां पे दिखा देते हैं। आप यहां पर देख सकते हैं इसका एक्सपायरी डेट यहां पे 22/3/2018 यहां पे शो कर रहा है, ठीक है। यानी हमारी मेडिकल बॉक्स और हमारे मेडिकल की से काम करेगा, वर्क करेगा, और उसके बाद ये ऑनलाइन काम करेगा, ठीक है। और अगर आप चाहते हैं कि इस टूल को कैसे यूज करना है, कैसे मोबाइल को बूट कराना है, और कैसे मोटो 4G का जो मोबाइल है उसे का जो FRP हमें अनलॉक करना है इस टूल से, तो अगर आप चाहते हैं कि इसके लिए मैं वीडियो बनाऊं, तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और कमेंट में लिखें मुझे कि आपको वीडियो चाहिए FRP अनलॉक करने के लिए मोटो 4G का, तो मैं वीडियो बना दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।